ब्लैंक शीट लीजिए और उस पर जो भी लेटर आप चाहें उसको ड्रॉ कर दीजिए। ओके, फिर बच्चे से बोलिए आप अपनी फिंगर को यहाँ रखिए, इस पर रखिए और उसको ड्रैग करिए, ऐसे उसको ड्रैग करवाइए बार बार। ओके, फिर उसको क्या फिंगर समझ में आएगा कि लेटर कैसे बनाते हैं, तो राइटिंग टाइम में उसको हेल्प हो जाएगी और जब वो फील करेगा तो उसको रिकॉग्नाइज करने में, उसको पहचानने में भी हेल्प होगी। ओके, सेकेंड थिंग, जब आप बच्चे के बीच में कॉम्पिटिशन रखेंगे तो प्लीज आप हमें डिसअपॉइंट ना करें, मतलब उसे ये ना करें कि ये अच्छा नहीं बना, ये अच्छा नहीं बना, ऐसे ना करें, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम वो करने में हिचकिचाएंगे। ठीक है, तो पढ़ाई बच्चे के साथ ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे भी इंजॉय करें और आपके ऊपर भी कोई बर्डन ना पड़े। ओके, सो बिगनिंग में अब हम क्या करेंगे, अब राइटिंग स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। इसके लिए सबसे पहले हम बच्चों को ड्रॉइंग करना सिखाएंगे। ड्रॉइंग में क्या होगा, सबसे पहले कलर फिल करवाएंगे। हमने यहाँ पर एक बार एप्पल बनाया है, अब हम इसे कलर फिल करेंगे। आप भी बच्चे को शीट दीजिए और बोलिए उसमें कलर फिल करें। ओके, सो और आप बीच बीच में उन्हें गाइड भी करते रहिए, अगर वो आपसे भूले और आपको लगता है कि उसे गाइडेंस की जरूरत है तो आप उसे गाइड भी करते रहिए कि किस तरह से कलर फिल करना है। ओके, सो हमने यहाँ पर एक और एप्पल की ड्रॉइंग को बना दिया, इसमें हमने कलर फिल कर दिया। ओके, और आप उनको बच्चों को दे सकते हैं, स्माइल दे सकते हैं, है ना, स्टार दे सकते हैं, उनको एप्रिसिएट करिए। ओके, सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हमें कैसे करना है। अपने जो नर्सरी में ये ड्रॉइंग बुक है, नर्सरी में ये ड्रॉइंग बुक है जिसको आप परचेस कर लीजिए, जिसमें कि ये कलर फिल करने के लिए जगह है, ये कलर फिल करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट है राइटिंग।